महिमा का सार एमपी और यूपी के बीच में। पावन बहे मंदा के निधार करवी से है 10 किलोमीटर। मेला लगता बड़ा अपार सतना से 75 किलोमीटर। दर्शन को आते नर नार तांगा रिक्शा मोटर गाड़ी। सुख सुविधा है बेसुमार सुंदर भवन बने रहने की।
खींचते जाए कामादी गिरी छोटी सी पहाड़ी। गुरुवार हाल रहे बतलाए 5 किलोमीटर की परिधि। देख देख मन ललचत जाए कामना देवी के दर्शन से। सारे काम सफल हो जाए 4 द्वार हैं इस मंदिर के। दूर से देखो दिखलाए मुखार बिंद के नाम से जाने। ऋषि मुनि जन गए बतलाए भरत राम से यही मिले थे। चरण चिन्ह सबको दर्शाए भरत राम से यही मिले थे।
से निकली मंदाकिनी है आन, पेड़ों में हरियाली छाई। कब विधना के बने विधान, सतीन जल से भरा कमंडल। पास मुनि के पहुंची आन, प्यास बुझाई अपने पति की। जिसने दिया अटल वरदान, तीन लोक में सती न तुमसे होगी कोई। लीजिए मान, तीन लोक में सती न तुमसे। हे स्वामी, ये अग्नि की ज्वाला
करके पूरी हो गई मन की आस, जल की धारा दो कुंडों में गिरते रहती बारों मास, जिसके दर्शन मात्र से भक्तो बुझ जाती है मन की प्यास, जिसके दर्शन मात्र से भक्तो करके सिया रसोई देखन जाए, सोसिनिया चढ़ना है बेटा, हिम्मत लीजिए और जुटाए कंद मूल फल मात सियाने, इसी जगह पर लिए पकाए परस के पत्तल राम लखन को, सिया माई ने दिए खिलाए, जो भी यहां से दर्शन करता घर में कभी न कोई खाली जाए, धन कुबेर भर देते घर में। चित्रकूट के धाम मुझको पति चाहिए बेसा, जैसे अवधपुरी के राम करे दिवांग न कठिन तपस्या, काम क्रोध की ज्वाला थाम जनक सुता के पति है रघुवर, कैसे इन्हें मिलेंगे राम और किसी की करे नया सा, राम रट रही आठो याम कैसे मनोरथ होंगे पूरे, किसी की माने ना हट लई ठान जयंत कन्या। त्रेता में मर्यादा रखन को देने प्रली ना है ठान, जनक सुता के सिवा दूसरी नारी मानू मात समान, मगर तपस्या देख के इनकी मैं देता इनको बरदान, द्वापर में जब जन्म हो मेरा पूरे होंगे तब अरमान, वासुदेव देव की दुख टालन, जन्मे श्री कृष्ण भगवान गोकुल नगरी जन्मी देवगन, जिनके पिता बने वृषभान राधा नाम रखा है सबने, जिसकी मधुर लगे वांछित मिलता वरदान, यहां जो मांगो सच्चे दिल से। कोट तीर्थ की करने यात्रा जब हो जाओ तुम तैयार, 9 किलोमीटर दूर है चलना, उत्तर दिशा में चढ़ते पहाड़ यहां की महिमा सुनाता, सुन लो करके शुद्ध विचार, कोट नाम के हुए रिसीवर करे तपस्या आसन मार, जिनको तपस्या करते यहाँ पर बीते वर्ष 10,000, जिनके तप बल से धरती में कुंड बना है बड़ा अपार, जिसका जल शीतल अति पावन, तीर्थ पावन दरबार दूर दूर से आते भक्त गणे। इस पर्वत माला पे बना है बाके से हद नामक स्थान, सुनते जाना सुना रही हूँ यहाँ की महिमा बड़ी महान, कहते हैं यहाँ शिव कैलासी
पुरी को बोध लगा चित्रकूट से गए भरत जी।
पहुंच गए आन देख अप्सरा भई है लज्जित और दुसाला लई है तान इंद्र देव को शीश झुका कर उसने दिया मान सम्मान देख रह गए खड़े इंद्र देव उनके
के कार्य पूर्ण हो जाए, जिसकी रही भावना जैसी उसको फल वैसा मिल जाए। गुरुवर के चरणों में चेला बैठ गए हैं शीश झुकाए।